आगे बढ़ने से पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करते हैं। सबसे पहले उज्जैन महाकाल मंदिर में फिर से नियम तोड़े गए और इस बार नियम को तोड़ा महाराष्ट्र सीएम के सांसद बेटे ने, मंदिर के नियम तोड़े। प्रतिबंध के बावजूद गर्भगृह में उन्होंने जाकर पूजा अर्चना की अपनी पत्नी के साथ और अन्य दो लोगों के साथ। महाकाल मंदिर प्रशासन ने की है कार्रवाई करने की बात। तो प्रतिबंध है गर्भगृह में अंदर जाकर पूजा पाठ करने पर, उन्होंने इस प्रतिबंध को तोड़ा, इस नियम को तोड़ा और महाराष्ट्र सीएम के सांसद बेटे मंदिर के अंदर गए, उन्होंने पूजा अर्चना की अपनी पत्नी के साथ और अन्य दो साथियों के साथ अंदर जाकर पूजा अर्चना की। अब इस पर महाकाल मंदिर प्रशासन ने कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे पर महाकाल मंदिर के नियम तोड़ने का आरोप लगा है। गर्भगृह में जाकर पूजा करने पर मनाही है, लेकिन वो अंदर गए गर्भगृह के और उन्होंने अपनी पत्नी और दो अन्य लोगों के साथ जाकर पूजा अर्चना की। तो महाराष्ट्र सीएम के बेटे ने तोड़े हैं महाकाल मंदिर के नियम। महाकाल मंदिर में वीआईपी लगातार नियम तोड़ रहे हैं, ये अक्सर देखा जाता है। ललित जैन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, पूरी तरह से ये नियमों के खिलाफ है, अंदर गर्भगृह में जाकर पूजा करने पर मनाही है, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर वो गए और उन्होंने अपनी पत्नी समेत अन्य दो लोगों के साथ पूजा अर्चना की। बिल्कुल सही है कि इन्होंने शाम को 5:30 बजे के करीब आए थे और उन्होंने पूजा करी। एकनाथ शिंदे के जो पुत्र है सांसद श्रीकांत शिंदे, वो उनके पत्नी और दो साथी और थे, उन्होंने करी है। खास बात यह है कि उस समय उनके साथ में आके सुरक्षा प्रभारी थे और जो गर्भगृह के निरीक्षक थे वो भी थे, उनकी मौजूदगी में ही उन्होंने दर्शन करे और अंदर गए, लेकिन उन्होंने उनको रोका नहीं। ललित, क्योंकि मनाही है लेकिन उसके बावजूद अंदर जाने से आप कह रहे हैं कि वहां पर मौजूद थे जो महाकाल मंदिर प्रशासन की तरफ से लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अंदर गए पूजा अर्चना की। अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात कह रहा है, क्या एक्शन ऐसे में लिया जा सकता है, क्या कार्रवाई होगी जब शुरुआत में ढिलाई लापरवाही उनकी तरफ से भी बरती गई? देखिए, इसमें क्या है कि इस तरह के जब जब घटना हुई है, प्रशासन ने, मंदिर प्रशासन ने और जो कलेक्टर है, जो मंदिर समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने दावे किए हैं कि इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन्होंने जो अधिकारी है और जिम्मेदार है उन्होंने इसको टालने के लिए नोटिस दे दिया, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इस मामले में प्रशासन ने यह दावा जरूर किया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या होगी और कैसे होगी यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ललित, अक्सर ये देखा जाता है जब भी वीवीआईपी महाकाल के दर पर पहुंचते हैं तो नियमों का उल्लंघन तो होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या अब जैसे कि इसमें कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या इससे पहले कभी ऐसा एक्शन किसी के खिलाफ लिया गया है नियम तोड़ने पर? मैंने जैसा कि आपको बताया कि पहले भी मैंने कई लोगों वहां पर गर्भगृह में प्रवेश के लिए गए, जो सत्ता वाले थे, जो पावरफुल रोल रहते हैं, वो गर्भगृह में जाते हैं, गए हैं और उनके ऊपर बाद में प्रशासन ने कार्रवाई की बात की है, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि पहले कभी भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, नोटिस देने की बात है तो एक फॉर्मेलिटी जरूर निभा देते हैं जिससे कि मोबाइल ना लेके कार्रवाई किसी पर अब तक देखी नहीं गई है। जी, तो सिर्फ कहने भर की बात है कि कार्रवाई होगी, लेकिन आप जैसा कि बता रहे हैं कि हुआ नहीं है कभी ऐसा कोई एक्शन, अक्सर वीवीआईपी इस तरीके के नियम तोड़ते हैं। अब ललित, आप हमारे दर्शकों को और हमें ये भी एक बारी बता दीजिए कि गर्भगृह में अंदर जाने को लेकर क्या नियम महाकाल प्रशासन की तरफ से तय हैं जिनका उल्लंघन अक्सर होता है? जी, 2023 में क्योंकि दो कारण से प्रतिबंध किया गया था गर्भगृह में, एक तो महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ पे अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं देश भर से, दूसरा ये है कि महाकाल शिवलिंग है उसका क्षरण हो रहा था, तो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका लगी थी उस पर सुझाव दिया था कि यहाँ पर गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंध किया जाए। तो गर्भगृह में प्रवेश पर रोक है पूरी तरीके से जिसका अक्सर उल्लंघन होता है। ललित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम खबरों में बढ़ते हैं आगे।